हमास मुस्लिम देशों की गुप्त बैठक। हमास को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। गाजा को नक्शे से मिटते हुए नहीं देख सकते हैं। आंखें बंद करके फिलिस्तीनियों का नरसंहार नहीं देख सकते हैं। इज़राइल मान जाओ वरना दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये धमकी, ये चेतावनी ईरान के साथ साथ अब तमाम मुस्लिम देश इज़राइल को देने लगे हैं। जंग के एक महीने बाद 57 मुस्लिम देशों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। 12,000 से ज्यादा लोग गाजा युद्ध में मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी की 45% या कहें कि लगभग आधी इमारतें पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन इस दौरान एक भी मुस्लिम देश ने इसराइल पर सीधा हमला नहीं किया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ साथ कई मुस्लिम देश इसराइल से सीधी जंग का मन बना चुके हैं। गाजा युद्ध अब धर्म युद्ध की तरफ बढ़ चुका है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को इनपुट मिले हैं कि ईरान के कहने पर सऊदी अरब में इसराइल के खिलाफ जंग करने के लिए गुप्त मीटिंग हो रही है। ईरान, सऊदी अरब की कसम, बदल देंगे इसराइल का नक्शा। ईरान, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, कम से कम ये 5 मुस्लिम देश इसराइल पर मिलकर कभी भी हमला कर सकते हैं। अगर ईरान की बात करें तो उसकी सेना में माहिर लड़ाके, लंबी दूरी की घातक मिसाइल, रॉकेट के बेहद घातक और खतरनाक वेरिएंट मौजूद हैं। यहाँ तक कि ईरान के पास अराज-2, मोहाज़ेर-10 और शाहिद सीरीज के ऐसे ऐसे आत्मघाती ड्रोन हैं जो इजरायली सेना पर बहुत भारी पड़ जाएंगे। इस वक्त हमास के सिर्फ 45,000 लड़ाके सबसे एडवांस और घातक हथियारों से लैस इजरायली सेना से मुकाबला कर रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि महज रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइलें और बारूदी सुरंगें और कुछ भारी हथियारों के बलबूते हमास के लड़ाकों ने गाजा युद्ध को एक महीने तक खींच लिया है। अगले एक हफ्ते के अंदर हमास को 57 मुस्लिम देशों से जंग में सीधा साथ मिलने की उम्मीद है। इसीलिए हमास के प्रवक्ता और नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमास को हराना नामुमकिन है। इसराइल पर हमले को तैयार 57 मुस्लिम देश। गाजा में इजरायली हमलों के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गाजा के मुद्दे पर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC में बैठक हो रही है और इस बैठक में ईरान के राष्ट्रपति भी सऊदी अरब में बड़ा प्लान बना रहे हैं। ईरान के मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी रियाद में गाजा युद्ध को लेकर फाइनल मीटिंग कर रहे हैं। OIC की बैठक में गाजा संकट पर चर्चा हुई है और OIC की इस बैठक को लेकर ईरान कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने अपने विशेषज्ञों की एक टीम रियाद पहले ही भेज दी थी। सऊदी अरब में ईरान के राजदूत अली रेजा इनायती ने OIC की इस बैठक को खास बताया और कहा कि यह बैठक विभिन्न इस्लामिक देशों द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर गाजा युद्ध में इसराइल के खिलाफ एक्शन लेगी। बहुत हुई बात, बारूद से मिलेगा जवाब। बीताब मिशन निरुहाई मुकाबलत बीताब मिशन किसी जलो इनर दिए नहीं तूने बिगर इन्हें बेदानन तवागो न करन अस किसानी के नेक्स्ट जरिये
فلان گروه فلان کار رو بکنه. کسی نمیتونه جلوی اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. یه واقعیتی است که وجود داره. ایک طرف اتنی غازہ سے 11 لاکھ لوگ دکھنی غازہ کی طرف بھاگ رہے ہیں. لاکھوں فلسطینی اور غازہ کے لوگوں کے لیے غازہ کی زمین ساکشات نرک بن چکی ہے. इधर हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के साथ मिलकर इजराइल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं. जरा इन तस्वीरों को देखिए. हमास के नेता और टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के बीच एक जबरदस्त मीटिंग हुई थी. कतर की राजधानी दोहा में हुई इस मीटिंग में ईरान ने हमास के लीडरशिप को साफ बता दिया है कि ईरान इसराइल के खिलाफ जंग में उतर चुका है. अब ईरान की बेतहाशा सैन्य ताकत हमास की ताकत बन गई है. यानी गाजा में अब इसराइल को सिर्फ हमास से नहीं बल्कि ईरान की सेना, लेबनन के हिजबुल्ला लड़ाकों और हमास के सुरंग जिहादियों से जंग करनी पड़ेगी. देखिए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इसराइल को क्या धमकी दी है. جنایتکاران جنگی و حامیان آنها در منطقه هشدار می‌دهم که تا دیر نشده جنایات جنگی رژیم کودک‌کش جعلی परमाणु हमले का विकल्प नंबर एक. परमाणु हमले का विकल्प नंबर दो. परमाणु हमले का विकल्प नंबर तीन. परमाणु हमले का विकल्प नंबर चार. में परमाणु हमले के इस चारों विकल्प में से किसी एक विकल्प का इस्तेमाल अगर इसराइल ने किया तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी. अगर इसराइल गाजा की जंग में न्यूक्लियर अटैक का नंबर आ गया तो मिडिल ईस्ट की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी. गाजा में अगर इसराइल ने परमाणु बम गिरा दिया तो पूरा का पूरा गाजा वीरान हो जाएगा. वहां की धरती बंजर हो जाएगी. गाजा में बिखरे मलबे में एक ऐसी आग लगेगी जिससे सब कुछ भाप बन जाएगा. उस परमाणु हमले के आगे इसराइल की तरफ से गाजा में हो रहे ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी कई ठोस वजह है. परमाणु धमकी नंबर एक. इसराइल के मंत्री अमिहाई एलियाहू ने गाजा पर परमाणु बम से हमला करने का भी विकल्प बताकर खलबली मचा दी है. परमाणु धमकी नंबर दो. इसराइली सांसद टाली गोटलिएव ने हमास के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करने को कहा है. परमाणु धमकी नंबर तीन. इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रण किया है कि इसराइल ईरान को परमाणु बम से दूर रखने के लिए पूरी ताकत लगा देगा. लेकिन अपने मंत्री अमिहाई एलियाहू के गाजा पर परमाणु बम से हमला करने वाले बयान पर बेन्यामिन नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. नेतन्याहू ने गाजा पर परमाणु बम से हमले के विकल्प को सिरे से खारिज कर दिया है. नेतन्याहू का कहना है अमियाही एलियाहू का बयान वास्तविकता पर आधारित नहीं है. मशहूर वेबसाइट इसराइल 365 के मुताबिक इसराइल ने परमाणु हथियारों को लेकर 1948 से ही एक पॉलिसी बना रखी है. उसी पॉलिसी को अमल में लाकर इसराइल ने दुनिया के सामने ना तो परमाणु हथियार होने की बात कबूली है
और ना ही इससे इनकार किया है। यह बात अलग है कि हर कोई जानता है कि इजराइल के पास कई बेहद खतरनाक और एडवांस्ड न्यूक्लियर हथियार हैं। अब तक किसी इजरायली प्रधानमंत्री ने यह नहीं माना कि इजराइल के पास एटमी हथियार हैं। इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए नेतन्याहू ने भी गाजा पर परमाणु हमले के विकल्प को कोरी कल्पना करार दिया है। वहीं इजराइल के मंत्री के परमाणु हमले वाले बयान पर रूस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस ने कहा है कि इजराइल को अपनी न्यूक्लियर स्टेटस बतानी होगी, क्योंकि इजराइल के मंत्री का बयान कई सवाल खड़े करता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजराइल की तरफ से परमाणु धमकी आई है। हाल ही में गाजा युद्ध की शुरुआत के वक्त इजराइल के एक सांसद ने अपनी सरकार से हमास के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करने को कहा है। परमाणु बम के इस्तेमाल पर विचार करने की सलाह देने वाले इजरायली सांसद का नाम टाली गोटलेव है। गोटलेव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है कि हमास से निपटने के दौरान इजराइल को निर्दयी होने की जरूरत है। टाली गोटलेव ने अपनी पोस्ट में लिखा है, केवल एक विस्फोट जो मध्य पूर्व को हिला देगा, इस देश की गरिमा, ताकत और सुरक्षा को बहाल करेगा।